हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे थे जो सारे के सारे एग्जामों में आते हैं, जो जनरल स्टडी यानी कि जीएस से आते हैं, उन सबको हम देख रहे थे जो सारे के सारे एग्जामों में आते हैं। इससे पहले हमने देख लिया था कोशिका के सारे कोशिकांगों के खोजकर्ता, ठीक है। आज हम देखेंगे फलों तथा सब्जियों में जो रंग होता है यानी जो उनका कलर होता है और उनका जो कड़वापन यानी जो उनका टेस्ट होता है वो किस किस के कारण होता है। इससे भी क्वेश्चन सारे एग्जामों में बन जाते हैं। ये हम इतने ही देखेंगे जो सारे के सारे एग्जामों में आए हुए हैं, इनको भी बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो देखते हैं फलों तथा सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण, यानी कि क्या फलों यानी फ्रूट्स तथा वेजिटेबल्स में जो उनका कलर होता है या उनका जो टेस्ट होता है वो किसके कारण होता है। इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना क्या है। जैसे पहला है आंवले में कसैलापन। आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे कि आंवले में जो कसैलापन होता है वो किसके कारण होता है। इसके चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से क्या ढूंढना होता है हमें, क्या होगा वो टैनिन। तो आंवले में जो कसैलापन होता है किसके कारण होता है, वो टैनिन के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट किसके कारण होती है? बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होती है। पपीते में पीला रंग, जो पपीते का पीला रंग होता है अंदर वाला, वो किसके कारण होता है? कैरिकोजेंथिन। क्या है? कैरिकोजेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है, कैरिकोजेंथिन। ऐसे ही आगे देखते हैं मिर्च में चरपराहट, जो मिर्च में चरपराहट होती है यानी एक तरह से जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट, खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है? कुकरबिटेसिन के कारण होती है। करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? ये भी क्वेश्चन आया, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, खीरे में कड़वाहट और करेले में कड़वाहट। तो करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? मेमोर्डिकोसाइट के कारण होती है। ऐसे ही देखते हैं आगे आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। ये इसकी फैमिली का नाम ही क्या है? सोलेनेसी, तो उसी से मिलता जुलता है। सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा होता है। हरा मतलब क्या? जो कोई कोई आलू हरा हो जाता है वो किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग, मिर्च का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? कैप्सेंथिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग, जो लाल मिर्च हो जाती है, पहले तो हरी होती है लेकिन फिर बाद में वो लाल हो जाती है, किसके कारण होती है? कैप्सेंथिन के कारण होती है। गाजर में लाल रंग, गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। जो पीपर होती है, मसाले में जो पीपर डाली जाती है, पीपर में कड़वाहट होती है वो किसके कारण? ओलिमोरेसिन के कारण होती है। तो पीपर की कड़वाहट किसके कारण? ओलिमोरेसिन के कारण होती है। मूले में जो तीखापन होता है, जो मूली में तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण? आइसोसाइनेट के कारण होता है। अब देख लेते हैं इधर लहसुन में जो गंध आती है, जैसे जब लहसुन को छीलते हैं तो जो उसमें स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? वो एलाइसिन के कारण आती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। लहसुन में जो गंध आती है किसके कारण आती है? एलाइसिन के कारण आती है। आगे देखते हैं टमाटर में लाल रंग, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। जो टमाटर का लाल रंग होता है ये भी पहले हरा होता है लेकिन फिर बाद में लाल हो जाता है, किसके कारण होता है? ये लाइकोपीन के कारण होता है। प्याज में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो प्याज का लाल रंग किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण? कुरकुमिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग, यहाँ क्या था? लाल रंग था। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण था लेकिन अगर गाजर का नारंगी रंग पूछ ले तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तिलहनों में तेल का पीला रंग, जितने भी जो जिससे तेल निकलता है उनका पीला रंग होता है वो कौन कौन, वो किसके कारण होता है? कैरोटीनाइज्ड के कारण होता है। जैसे जो सरसों होती है, अगर सरसों का तेल देखिए तो किसके पीला होता है वो किसके कारण होता है? वो
कैरोटिनाइज्ड के कारण होता है। तो इतने ही थे जो फलों तथा सब्जियों से क्वेश्चन बनते थे, जो उनके कलर और उनके टेस्ट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, आपने बहुत ही अच्छे से देख लिया। इतने ही होते हैं जिनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा, आपको अच्छे से याद हो गया। अगर नहीं याद हुआ तो एक से दो बार देख लेना, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।